हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ पीट्रोन हेडफोन का। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें जो है इसमें देखने को मिलता है। और ये जो है गाइस हेडफोन है, देख सकते हैं पीट्रोन स्टूडियो ओवर ईयर ब्लूटूथ ईयरलेस हेडफोन। ठीक है गाइस, तो इसका प्राइस वगैरह जो है आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो। और यहाँ पर कोई भी फीचर्स दिखा नहीं गया है, क्योंकि जो हेडफोन में इतना फीचर जो है दिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर में बॉक्स में आप लोगों को कुछ भी फीचर्स नहीं देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हम अपने हेडफोन को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडफोन जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आप लोगों को। हमने जो है यहाँ पर ब्लू कलर का ऑर्डर किया था, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, एकदम ब्रांड न्यू आया है। इस साइड में आप लोग देख सकते हो पीट्रोन का यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा दोनों ही साइड में आप लोगों को। और यहाँ पर नीचे आप लोगों को देख सकते हैं इस साइड में जो है, मतलब राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलेगा, आप लोग जो ऑक्स केबल से भी इसको बचा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चार्जिंग केबल देखने को मिलेगा जो माइक्रो यूएसबी का है। यहाँ पर कोई भी टाइप सी का सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। माइक्रो यूएसबी यहाँ पर आप लोग लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, एलईडी इंडिकेटर। और यहाँ पर शायद ये वाला ऑप्शन माइक का है, ठीक है। माइक भी यहाँ पर है और यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं गाइस। यहाँ पर जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए, ऊपर में ऊपर जो बटन ही है वॉल्यूम माइनस का और नीचे है वॉल्यूम प्लस का। और इन दोनों ही बटन से आप लोग जो है म्यूज़िक को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर क्लिक करने से ही म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, और प्रेस करके रखने से आपका जो ये वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बीच वाला बटन, ये प्ले पॉज का है, और इसी से आप लोग जो है इसको ऑन करना होगा, ठीक है गाइस। और नहीं गाइस, यहाँ पर भी एक बटन है ऑन ऑफ़ करने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पर ऑन ऑफ इस बटन से कर सकते हो, और कॉल को भी रिसीव कर सकते हो। ये बटन जो है ये सिर्फ जो है ऑडियो को प्ले और पॉज करने के लिए, ठीक है गाइस। आप लोग इसको पॉज कर सकते हो यहाँ पर से, और इसी में से ही पॉज प्ले कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम्फर्ट है। यहाँ पर जो ये जो है कुशन दिया गया है ये बहुत ही कम्फर्टेबल है गाइस। आप लोग देख सकते हो एकदम रबरिश टाइप का है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बहुत ही कंफर्ट एकदम क्वेश्चन दिया गया। ऊपर की तरफ भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी दिया गया है स्पॉन्च जिसको बोलते हैं। तो स्पॉन्च आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, देख सकते हैं इसको खींच देने से ये लंबा हो जाता है, और इसको कुछ इस तरीके से प्रेस कर देने से फिर से जो है इसको हाइट जो है, मतलब जो लंबाई है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर से आप लोग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अगर आप लोगों का जो है जो छोटा हो रहा है तो यहाँ पर से इसको खींच दीजिए, ये लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को छोटा करना है तो इसको यहाँ पर से पकड़िए और धीरे धीरे करके इसको यहाँ पर से कुछ इस तरीके से अंदर घुसा दीजिए, फिर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है ऑन ऑफ का जो बटन है, अगर आप लोग इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो एलईडी इंडिकेटर है वो जलने लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं इस पर हमने लॉन्ग प्रेस करके रखा है, और यहाँ पर जो एलईडी देख सकते हैं ये रहा एलईडी इंडिकेटर, ये जलने लग गया है। इसका मतलब ये जो है ये माइक का पोर्ट है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर जलने लग गया है, अभी जो है ये डिवाइस ऑन हो गया है। तो इसको कनेक्ट करके भी मैं दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर जो है हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मेरा फ़ोन देख सकते ये रहा। तो अगर इस फ़ोन में जो है ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे लॉन्ग प्रेस करके, तो यहाँ पर देख सकते ऑप्शन आ गया है पीट्रोन बीटी का, ठीक है गाइस। ये नीचे वाला जो ऑप्शन है तो यही है ये हेडफोन, ठीक है गाइस। पीट्रोन बीटी का यहाँ पर जो है ब्लूटूथ नेम देखने को मिलेगा, तो इस पीट्रोन बीटी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते पेयर का ऑप्शन आया है, पेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कनेक्ट हो गया। आप लोग बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पर से ही देख सकते हो। देख सकते 70% चार्ज इस हेडफोन में अभी भी है, देख सकते हो 70% दिखा रहा है। तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, पेयर हो गया है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर से गाना चलाएँगे तो यहाँ पर गाना जो है वो हेडफोन में चल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर म्यूजिक। और यहाँ पर ये जो बटन है इससे आप लोग म्यूजिक को पॉज कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर पॉज हो रहा है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर से अगर आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो वॉल्यूम देख सकते कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, और ये नीचे वाला वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए। और अगर आप लोगों को जो म्यूजिक को चेंज करना है तो इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो म्यूजिक चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं फिर से फट से आ गया। उसके बाद कॉल को भी रिसीव कर सकते हो आप लोग इस बटन से। और साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर मिल जाता है इस हेडफोन में आप लोगों को, ठीक है गाइस। यहाँ पर कोई भी साउंड डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को इस हेडफोन में। तो कुछ इस तरीके का है ये पीट्रोन का हेडफोन गाइस। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।